ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं सावन के बारे में। सावन का जो महीना है वो कब से शुरू हो रहा है, कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, कौन से सोमवार का व्रत जो है वो हमें इस वर्ष रखना है, सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि इस साल दो सावन पड़ रहे हैं। मलमास का जो महीना है वो इस बार लग रहा है और सावन जो है वो दो पड़ेंगे, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सावन के सोमवार जो है वो अगर आठ पड़ रहे हैं तो क्या हमें आठों व्रत रखने चाहिए, कितने रखने चाहिए। चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। सावन मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना गया है और भगवान शिव की पूजा के लिए इसका विशेष महत्व होता है। सावन के प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा का खास महत्व जो है वो बताया गया है, लेकिन सावन में अगर शिव जी की पूजा जो है सोमवार में शिव जी की जो कृपा है वो पाने के लिए अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम। सावन के सोमवार में शिव जी की कृपा का लाभ पाने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना गया है। आइए हम आपको बता दें कि सावन का पहला सोमवार कब है और इसका महत्व और पूजा विधि जो है वो क्या रहेगी। कब है सावन का पहला सोमवार? तो श्रावण मास साल 2023 में 4 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल मलमास होने की वजह से सावन में कुछ 59 दिन जो है वो पड़ने वाले हैं। इस प्रकार भक्तों को व्रत करने के लिए कुल 8 सोमवार प्राप्त होंगे, जो कि काफ़ी शुभ जो है वो माने जा रहे हैं। सावन का पहला जो सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा और आखिरी जो सोमवार है वो 28 अगस्त को रहेगा। कब है पहला सोमवार? तो 10 जुलाई को है पहला सोमवार। दूसरा जो सोमवार है वो है 17 जुलाई को। तीसरा जो सोमवार है वो है 24 जुलाई को। चौथा जो सोमवार है वो है 31 जुलाई को। पांचवा जो सोमवार है वो है 7 अगस्त को। छठवां जो सोमवार है वो है 14 अगस्त को। सातवां जो सोमवार है वो है 21 अगस्त को और आठवां जो सोमवार है वो है 28 अगस्त को। इस प्रकार से 8 सोमवार जो हैं वो इस वर्ष पड़ने वाले हैं। पहले सोमवार का पूजा मुहूर्त जो है वो क्या रहेगा? तो सावन सोमवार पर्वती शुभ शिवलिंग पर जलाभिषेक करके व्रत का आरम्भ करते हैं और फिर पूरे दिन व्रत करते हैं। शाम के वक्त प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के पहले सोमवार पर शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से 7:22 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो शिव जी जो हैं वो अपने साधक के सारे कष्ट समाप्त कर देते हैं। सावन के सोमवार का महत्व क्या है? तो इस साल सावन और अधिक मास साथ में पढ़ने का अद्भुत संयोग जो है वो बन रहा है। अधिक मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु माने गए हैं, इसलिए इस बार सावन में भगवान शिव के साथ श्री विष्णु जी की पूजा करने की भी कृपा जो है वो आपको मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो सावन के सोमवार में व्रत करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है तो सावन के सोमवार को समी के पेड़ की जड़ शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर उसे अपनी तिजोरी में लाकर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट जो है वो दूर हो जाते हैं, आर्थिक जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए आपको सावन के सोमवार में इस प्रकार से व्रत जो है वो करना है। कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं तो आपको व्रत भी करना है, पूजा भी करना है। अगर आप पूरे नियम से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र आप जो है वो बन जाते हैं। तो इस वर्ष साल 2023 में सावन के 8 सोमवार पड़ने का शुभ योग बन रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि जो सावन के सोमवार हैं उसमें कौन कौन से सोमवार में हमें व्रत जो है वो करना है, क्या 8 व्रत करना है? तो नहीं, आपको 4 सोमवार को व्रत करना है। कौन कौन से सोमवार को व्रत करना है, चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। उदया तिथि के आधार पर श्रावण मास का शुभारंभ 4 जुलाई से होगा। श्रावण 2023 का समापन 31 अगस्त को दिन गुरुवार को होगा। श्रावण अधिक मास 2023 को 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक है। इस साल सावन सोमवार के जो व्रत हैं वो इन 4 दिनों में इन 4 सोमवार को रखा जाएगा। पहला जो हमारा सावन का सोमवार का व्रत है वो 10
जुलाई को किया जाएगा, दूसरा 17 जुलाई को, तीसरा 21 अगस्त को और चौथा 28 अगस्त को। ये चार जो सोमवार हैं इनमें व्रत किया जाएगा, पूजा किया जाएगा और जो व्रत रखती हैं जो भी माताएं बहनें वो 8 सोमवार नहीं इन चार सोमवार में व्रत करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है वो पा लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।